मेरा नाम मोहम्मद असदुल्ला है, मैं उम्मीद एकेडमी में एज ए हिंदी टीचर हूँ। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है कि उम्मीद एकेडमी जो है आसमानों को छूता हुआ नज़र आ रहा है, और एक दिन इंशाल्लाह उम्मीद एकेडमी पूरे हिंदुस्तान में सितारों की तरह चमकेगा। उम्मीद एकेडमी का जो फाउंडर है मिस्टर वली रहमानी साहब, ये जिन्होंने उम्मीद एकेडमी को यहाँ तक पहुँचाया, और आगे आगे भी जो है मिस्टर वली रहमानी साहब जो हमारे स्कूल के फाउंडर हैं वो उम्मीद एकेडमी को बहुत दूर तक पहुँचाएंगे। वली रहमानी साहब का सोच है कि अमीरों का तालीम गरीबों को देना। इन्होंने शुरू से ही इनका यही मिशन रहा कि अमीर का जो तालीम है वो गरीबों को देना। इनका कहना ही है हमारे जो फाउंडर हैं इनका कहना है कि अमीर का खाना और गरीब का खाना अलग हो सकता है, अमीर के पहनावे अलग हो सकते हैं और गरीब के पहनावे अलग हो सकते हैं, लेकिन एडुकेशन अलग नहीं हो सकते हैं, किताबें अलग नहीं हो सकते हैं, सिलेबस नहीं अलग हो सकते हैं। तो इन्होंने ये सिर्फ बोले नहीं बल्कि ये साबित कर रहे हैं। आज आप देखें बच्चे जो हैं स्पोर्ट्स में हो या इस्लामिक एडुकेशन हो या एकेडमिक एडुकेशन हो, हमारे बच्चे हर क्षेत्र में आपको जो है दूसरे स्कूल के बनिस्पत जो है आपको अच्छे मिलेंगे इंशाल्लाह। जी मैं तो उम्मीद के साथ अभी रिसेंटली 3-4 महीने हुए मैं जुड़ा। बच्चों ने ऑलरेडी मेहनत करके स्टेट जीत चुके थे उन लोगों ने, और उसके बाद हाँ हम लोगों ने थोड़ा मेहनत तो किया, और बात यह है कि बच्चों ने कोशिश तो बहुत किया। हमें एक्चुअली भेजना था इनसे बहुत सारे बच्चे, एक्चुअली एग्जैक्ट नंबर बोला जाए तो 29 बच्चे थे, बॉयज़ एंड गर्ल्स इंक्लूडेड, जिनको हम नेशनल्स भेजने वाले थे, बट जैसा कि आप जानते हैं कि फंड्स की वजह से हम नहीं भेज पाए। ईच एंड एवरी वन वॉज केपेबल, यहाँ 10 में 6 जीत के आए, तो मेरी गारंटी थी कि अगर 29 बच्चे जाते तो उसमें 20 तो मेडल्स आ ही जाते, बट कोई नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम लोग वापस ये करेंगे। और बात यह है कि वली सर जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मैंने पहले भी कहा कि हर स्कूल में आपको बेसिक चीज़ें जैसे एडुकेशन मिलती है, तो वली सर वो कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ जितने रीजनेबल में या बिना प्राइस के या जैसे भी जिसके आपके फैमिली बैकग्राउंड है उसके हिसाब से सबको एडुकेशन मिले। उसके बावजूद स्कूल में नॉर्मली क्या होते हैं, स्कूल क्रिकेट होते हैं, फुटबॉल होता है, रग्बी हॉकी वगैरह ये सब स्पोर्ट्स होते हैं, MMA किकबॉक्सिंग ये जो फाइटिंग स्पोर्ट है इसको बढ़ावा स्कूल में तो खासकर बिल्कुल नहीं दिया जाता है। फाइटिंग के नाम पे आजकल जो चलते हैं कराटे चलते हैं। आई अंडरस्टैंड कि कराटे एज अ स्किल इज समथिंग जो आप अवेल कर सकते हैं, बट MMA एंड किकबॉक्सिंग इज समथिंग बियॉन्ड। तो सर कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे अच्छा परफॉर्म करे जा सके, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके एडुकेशन के साथ मेडल भी हासिल कर सके, बट यही है कि 10 में 6 है इस बार, इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट ईयर और ज़्यादा हो। और मैं चाहता हूँ कि अगर ये इन्फॉर्मेशन जिन लोगों के पास पहुँच रहा है प्लीज़ वली सर के ये जो इनके जो पर्पस है उसमें हमें हेल्प करें, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जिनके माँ बाप का भी नामो निशान नहीं है, मतलब उनके फादर का मदर का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सर उन्हें यहाँ रखते हैं, खाना पीना, इनके डाइट, इनका ट्रेनिंग, इनका एडुकेशन, सब कुछ वो ध्यान रखते हैं। और जस्ट एक नंबर मैं बता रहा हूँ कि ये जो 2.5 लाख खर्चे हुए हैं ये 10 बच्चों को भेजने के चक्कर में, बहुत सारे ऐसे फैमिली है जो कि 2-4 फैमिली मिला कर भी वो साल भर में ये 2.5 लाख अमाउंट कमा नहीं सकते हैं। तो ये कोशिश किया जा रहा है, तो प्लीज़ आप लोग से जितना हो सके इस चीज़ में इस चीज़ में हमें हेल्प करें, क्योंकि बंगाल से ये चीज़ मैं बता दूँ ये सब जूनियर कैटेगरी में सिर्फ उम्मीद ही सिर्फ टीम थी, सीनियर्स लोग में सब अलग जगह से लोग आए थे, बट सिर्फ उम्मीद के बच्चे थे जो कि सब जूनियर कैटेगरी में जाके पार्टिसिपेट किया इन लोगों ने, और कहीं से नहीं थे। तो हम लोगों ने एक्चुअली सिर्फ उम्मीद को नहीं है बंगाल को रिप्रेजेंट किया जितने सारे बच्चों को आप लोगों ने देखा, तो बस कोशिश यही रहेगी इंशाल्लाह अगले साल और अच्छे से कर सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़फ़र नियाज़ी है, और मैं जो है यहाँ पर पिछले लास्ट ईयर से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सका। और बहुत से स्कूल आप देखिए आज के ज़माने में जहाँ पर स्कूल जो है एक बिज़नेस का ज़रिया बन गया है, लोग उसको तालीम को एक तरह से बेच रहे हैं और एजुकेशन को अपने कमाई का ज़रिया बना रहा, उस जगह में ये एक वाहिद ऐसा मुझे एक स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन मिला है जहाँ पर वो बे लॉस पूरे अखलास के साथ बच्चों की खिदमत में लगे हुए, तालीम को बढ़ाने में लगे हुए, तालीम का असल मकसद जो है उसको पहुँचाने में लगे हुए हैं। और
वो बिजनेस क्या करेंगे वो लोगों को खुद दे रहे हैं, तो ये बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मैं एक और बात यहाँ बोलना चाहूँगा कि उम्मीद एकेडमी में एक और यूनिक चीज़ ये है, और वो यूनिक बात ये है कि यहाँ पर जहाँ हर स्कूल में बच्चों को तालीम दी जाती है, यहाँ पर आप देखिएगा कि टीचर्स को भी उनके भी स्किल्स को इन्हेंस किया जाता है। यहाँ पर भी अलग अलग वर्कशॉप्स, अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पर के टीचर्स को भी हमें जो है इन्हेंस किया जाता है, हमारे स्किल्स को इन्हेंस किया जाता है। अभी फ़िलहाल मुझे ही बेंगलोर भेजा गया 10 दिन के वर्कशॉप के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, और ये इस तरह से कई सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। और इसका पूरा ही पूरा जो मैं टोटल जो है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्रेडिट जो उम्मीद एकेडमी के मैनेजमेंट को देना चाहूँगा, उनकी सोच को देना चाहूँगा, खुसूसी तौर पर जनाब वली रहमानी साहब को देना चाहूँगा, उनका जो सोच है और सबसे बड़ी बात उनके जो नीयत है, नीयत में जो इखलास है, वो इखलास नीयत के इखलास की वजह से अल्लाह ताला भी उनकी मदद कर रहा है और ऐसे काम हो रहे हैं कि आप सोच नहीं सकतेगा। आप जिस तरह से आप देखिएगा ये खुदा आपको डायरेक्ट पता चलेगा कि अल्लाह ताला के डायरेक्ट आराम से अल्लाह ताला के तरफ से ही जो है उनकी मदद आ रही है। तो जो इखलास आपकी नीयत में इखलास रहेगी तो अल्लाह ताला की भी मदद आपको आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का मैं फिर से शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकूँ, और यह दुआ है कि अल्लाह ताला मुझसे जितना ज़्यादा हो सके इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितना हो सके अल्लाह ताला मुझसे ये खिदमत ले सके। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मेरा नाम उमर फारूक नदवी है, मैं उम्मीद एकेडमी का एक इस्लामिक टीचर हूँ। सबसे पहले मैं रब्बे जल जलाल की हमदो सना और उसकी तारीफ़ें करता हूँ कि अल्लाह ने हमें एक खिदमत करने का बेहतरीन मौका हमें इनायत फरमाया, और वो उम्मीद एकेडमी की शक्ल में। इससे पहले हमने काफ़ी जगहों पर दीन की खिदमत अंजाम दी। सबसे पहले कि हमने दारुल उलूम नदवतुल उलमा जैसे इदारे से तालीम हासिल की, उसके बाद अल्लाह ने अपने दीन के लिए हमें इस माहौल में और ऐसी फ़िज़ा में हमें उम्मीद एकेडमी के लिए मुंतखब फरमाया। इस पर मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करना चाहता हूँ वो बहुत कम है, और क्यों ना हो। अल्लाह ने जो है इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाने के साथ साथ दीन और दुनियावी दोनों उलूम और फ़नून को सीखने को कहा है, इसलिए इंसान अशरफुल मखलूकात कहा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ के ज़िम्मेदारान और अराकीन और कमेटी, इन लोगों का ख़ास तौर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है और ऐसा लगता है कि पूरे कलकत्ता के अंदर अब तक मैंने जहाँ जहाँ भी पढ़ाया है, ऐसा इदारा जहाँ पर अंग्रेज़ी उलूम और फ़नून के साथ साथ दीनी माहौल में एक ऐसी फ़िज़ा और निज़ाम तालीम जारी की है जिसे देख कर लोगों के दिलों में खुशी मैसर हासिल होती है, और लोग अशश करते हैं कि वाकई मैं जनाब यहाँ के जो हेड हैं हमारे बड़े वली रहमानी साहब, जो हमारे मैनेजमेंट के और यहाँ के हेड हैं, प्रिंसिपल हैं उम्मीद एकेडमी के, उनकी कद्दों का विषय और उनकी फ़िक्रें हर एतबार से यहाँ आकर के हमें बहुत सारी चीज़ों को सीखने का मौका मिला है। बहुत कुछ दीनी और दुनियावी उलूम के मुतालिक भी सीखा है, और माशाल्लाह हमारे एक्सपीरियंस डेली बाय डेली रोज़ बरोज़ बढ़ती ही जा रही है, चाहे वो बच्चों की शक्ल में हो, चाहे वो टीचर के शक्ल में हो। माशाल्लाह जितने टीचर हैं, जितने भी यहाँ मैनेजमेंट के लोग हैं, एक दूसरे के साथ मोहब्बत उखवत का भाईचारे के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और बच्चों के साथ ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं, ऐसा लगता है कि एक घराना घर में जिस तरह हम ज़िंदगी गुजारते हैं वैसी फ़िज़ा, वैसी माहौल, वैसी मोहब्बत, उसी अंदाज़ और लबो लहजे में बच्चों से प्यार और मोहब्बत पेश करते हैं। तो माशाल्लाह ऐसी खुशी और मसरत की घड़ी में मैं जिन बच्चों ने यहाँ पर माशाल्लाह मेडल जीत करके आए इंटरनेशनल लेवल पर, उनके लिए मैं ये शेर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शेर पेश करना चाहता हूँ। नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। और यहाँ के मैनेजमेंट और मैं ख़ास तौर से जनाब वली रहमानी साहब जो यहाँ के हेड हैं और यहाँ के प्रिंसिपल हैं, उनकी शान में और उनके लिए मैं ये शेर कहना चाहता हूँ। यकीन मुहकम अमल पैहम मोहब्बत फ़ातह आलम, यकीन मुहकम अमल पैहम मोहब्बत फ़ातह आलम, जिहाद जिंदगानी में हैं ये मर्दों की शमशीरें। माशाल्लाह उनकी नीयतें और उनकी मेहनतें और उनकी काविशें रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, और उम्मीद एकेडमी को लेकर तमाम
दुनिया में गोया के हिंदुस्तानी नहीं बल्कि तमाम दुनिया में लोग जान रहे हैं और हर एक की एक लगन और एक उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं कि नहीं वाकई अगर किसी से तवक्कु है और काम कर रहे हैं तो माशाल्लाह उम्मीद एकेडमी के मैनेजमेंट और यहाँ के जो बड़े बड़े ज़िम्मेदार हैं वो लोग कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार तमाम मैनेजमेंट का और यहाँ के तमाम ज़िम्मेदारों का और यहाँ के टीचर्स के तमाम शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने मुझे खिदमत का मौका दिया और ख़ास तौर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि अल्लाह ने हमें इस मकाम पर पहुँचाया और हमें दीन की खिदमत ले रहे हैं, इस पर मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।